Welcome to our next class, that is of chapter number 6, New Economic Policy. This chapter is totally based on our previous chapters that we have discussed from chapter number 2 to chapter number 5, that is from the process of the Planning Commission till the foreign trade. These are points discuss karega iske andar ki kya hota tha, kaise hota tha. As we have discussed in chapter number 2, Planning Commission was set up in 1951. It means first plan kab bana tha? 1951 to 1956. Aapne padha tha iska time duration kya hota tha? 5 years ka hota tha shayad. In that chapter we have already discussed, usme bhi humne aisa padha tha ki from this time to 1990, hum kab tak baat karenge? 1951 to 1990. Sari discussions karenge. Usme kya aata tha? Usme aisa tha kuch. Agriculture sector bhi dependent tha. Industrial sector bhi backward tha. Foreign trade bhi hamara zyada acha nahi tha. एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंडेंट कैसे था, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी अच्छा नहीं होता था, वो सारी सिचुएशन हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करी है. फिर चैप्टर नंबर 4 में क्या था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को फर्दर पार्ट्स में क्लासीफाई करा था. फिर फॉरन ट्रेड पढ़ा था हमने. लास्ट कंक्लूजन और लास्ट क्रश ऑफ द चैप्टर इज, जो लास्ट में कंक्लूजन पता चला वो ये पता चला, पहले के टाइम पे 1991 से पहले जो भी काम होता था सारा का सारा किसके थ्रू होता था, गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू होता था. सारा का सारा किसके थ्रू होता था, गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू होता था. इट मींस दैट नई इंडस्ट्रीज लगाने के लिए या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी. गवर्नमेंट ऐसे कोटा क्यों डिसाइड करती थी, गवर्नमेंट का मेन फोकस एक ही था कि सोशल वेलफेयर अटेंड रहे. उस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी लैग बिहाइंड काफी पीछे चली गई. फिर बात करता था फॉरेन ट्रेड की. फॉरेन ट्रेड में ऐसा था कि हमने एंट्री एग्जिट बैरियर्स लगा दिए थे, ना ही फॉरेन कंट्री इंडिया में आ सकती थी, ना ही हम अपना सामान बाहर बेच सकते थे. कुछ ऐसे पॉइंट्स थे. हमने एक पॉइंट डिस्कस करा था इसके अंदर, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी. इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी मीन्स प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज. अब बात ये आती है 1951 से 1990 का जो टाइम ड्यूरेशन था उसमें क्या क्या हुआ. कुछ नहीं हुआ, सिंपल एंड स्वीट. बात अगर बोली जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बैकवर्ड हो गया, फॉरेन कंट्रीज के साथ भी टर्म्स अच्छे नहीं रहे. तो बात ये ऐसे यूज करता है, व्हाई देयर इज नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होती क्या है, सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोला जाता है. इसको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. क्या वर्ड इसका रहा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ये वर्ड डिराइव होता है LQP से. कहाँ से डिराइव होता है, LQP. LQP means license. L stands for licensure, Q stands for quota, P stands for permit. वो बात मैंने आपको अभी डिस्कस करी. पहले के टाइम पे क्या होता था, नई नई इंडस्ट्रीज लगाने के लिए और प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए आपको काफी सारी फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना पड़ता था. फॉर्मेलिटीज लाइक लाइसेंस, कोटास और डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेलिटीज वर्ड दे. अब वर्ड यूज कर रहा है LQP. LQP से कन्वर्ट कहाँ हो गया, LPG. क्या कन्वर्ट हो गया, LPG. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग इट वन बाय वन. होता क्या है लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मींस बैरियर्स को रिमूव करना. लिबरलाइजेशन मींस बैरियर्स को रिमूव करना, या फिर जो लाइसेंस का क्राइटेरिया था उसको क्या कर देना, खत्म कर देना. इसे क्या बोला गया, लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मींस लिबरल पॉलिसीज. लिबरल मतलब इजी पॉलिसीज बनाई गई. इजी पॉलिसीज मींस जो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया. अब इस लिबरलाइजेशन पॉलिसीज को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करा. फर्स्ट पार्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, तीसरा फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स, लास्ट एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स. वी आर रिपीटिंग इट अगेन. फर्स्ट था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, सेकेंड था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, थर्ड था फिस्कल रिफॉर्म्स, नेक्स्ट था एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स. नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग इट वन बाय वन. होता क्या था, कैसे करते थे. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स वर रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता था, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे. प्रॉब्लम सिंपली हम जो फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी थी जो हमारी इकोनॉमी थी वो टोटली डिपेंडेंट किसके ऊपर थी, पब्लिक सेक्टर के ऊपर. हमारी इकोनॉमी टोटली डिपेंडेंट किसके ऊपर थी, पब्लिक सेक्टर के ऊपर. इट मीन्स नई इंडस्ट्रीज लगानी है तो कौन लगाएगा, पब्लिक लगाएगी. नया इनिशिएटिव लेना है तो कौन लेगा, पब्लिक लेगी. अब उससे क्या होता था, लिमिटेड स्केल रहता था, ना इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो पाती थी, ना एक प्राइवेट इन्वेस्टर उसमें पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता था. प्राइवेट इन्वेस्टर उसमें पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं करता था बिकॉज उसका भी एक रीजन था.
बिकॉज ह्यूज फंड्स वर रिक्वायर्ड फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, उसको काफ़ी सारी परमिशंस लेनी पड़ती थी, लाइसेंस, कोटास, परमिट्स, या फिर हर चीज़ के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ती थी, इवन फॉर द न्यू इंडस्ट्री और फॉर द प्रोडक्शन कैपेसिटी. उन प्रॉब्लम्स को खत्म किया इसने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स ने. क्या क्या रिफॉर्म्स थी? फर्स्ट वर्ड यूज करता है एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. एज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी कि जो लाइसेंस का क्राइटेरिया था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया. अब नई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर सकते हो जहां आप करना चाहते हो. नेक्स्ट, कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर. पहले के टाइम पे सारी की सारी इंडस्ट्रीज किसके पास थी? पब्लिक के पास थी. उसे धीरे धीरे कम कर दिया. डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, प्रोडक्शन एरियाज को कम कर दिया. एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, इसमें वही पॉइंट यूज कर लिया. फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स. नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग इट वन बाय वन, क्या होता है क्या नहीं होता. पहले के टाइम पे इंडस्ट्रीज लेने के लिए, लगाने के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी. अब ये सारा क्राइटेरिया खत्म कर दिया, बट फाइव इंडस्ट्रीज रख ली इसके अंदर. फाइव इंडस्ट्रीज कौन सी रख ली वो अपन पढ़ेंगे. डिफेंस इक्विपमेंट, लेकर, सिगरेट, ऐसे करते करते पांच इंडस्ट्रीज हैं जिसकी सारे की सारी जो डोर थी, डोर या बोला जाए सारे रूल्स बोले थे किसके हाथ में थे, गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में थे. सुधार को पांच चुकी थे कंट्रोल थे. अब कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर 17 to 8, 8 to 2. पहले 17 इंडस्ट्रीज थी पब्लिक सेक्टर के पास, कन्वर्ट होकर किसमें चलेगी 8 में, 8 से कन्वर्ट होकर किसमें चलेगी दो रहेगी बेटा, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज. नेक्स्ट बात करते हैं डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज. पहले के टाइम पे रेस्ट्रिक्शंस थी, नई इंडस्ट्रीज लगानी है तो स्पेसिफिक एरियाज के अंदर ही लगा सकते हो, आप उसके अलावा नहीं लगाओगे. उस प्रॉब्लम को भी खत्म कर दिया, तो वर्ड यूज करता है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज. ये हमने डिस्कस करी लिया एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए पहले लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट थी, अब लाइसेंस के क्राइटेरिया को फिनिश कर दिया. फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, फॉरन से कोई भी कैपिटल गुड्स मंगवा सकते हैं. कैपिटल गुड्स मीन्स मशीन एंड ऑल. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हैडिंग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. वर्ड यूज करता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में रिफॉर्म्स रिलेटेड टू फाइनेंस. क्या वर्ड यूज करता है? रिफॉर्म्स रिलेटेड टू फाइनेंस. इसमें होता क्या था समझते हैं वापस. इसमें वर्ड यूज करता है आरबीआई का. आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है हमारी इकोनॉमी का, वो हम डिस्कस कर चुके हैं या फिर आने वाले टाइम में करेंगे. अब सेंट्रल बैंक क्या करता था, पहले वो रेगुलेटर था. रेगुलेटर मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता था. उसने अपना रोल चेंज करके फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर हो गया. कहाँ से कहाँ हो गया? रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर. पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता था, मींस रिस्ट्रिक्शंस वगैरह इंपोज करता था. अब फैसिलिटेटर हो गया. फैसिलिटेटर मींस फंड्स प्रोवाइड करवाता है. डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज असाइन कर दिए कि कैसे फंड्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे. ये थी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. नेक्स्ट थी फिस्कल रिफॉर्म्स. फिस्कल मीन्स आर ईयर. फिस्कल का मतलब क्या होता है? साल. इस साल के अंदर क्या आता है? टैक्सेस से रिलेटेड पॉलिसी है. टैक्सेस दो तरह के टैक्स होते हैं, वन इज डायरेक्ट टैक्सेस, वन इज इनडायरेक्ट टैक्सेस. एक डायरेक्ट टैक्स होता है बच्चे, दूसरा कौन सा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है. पहले के टाइम पे क्या होता था, इस रिफॉर्म्स के अंदर जो टैक्सेस थे ना वो स्ट्रिक्ट थे. जब टैक्सेस स्ट्रिक्ट थे तो होता क्या था, टैक्स इवेजन होना स्टार्ट हो जाता था. टैक्स इवेजन मीन्स टैक्स की चोरी. लोग टैक्स पे करते नहीं थे, क्यों? बिकॉज टैक्स के ज्यादा पे करना पड़ता था या फिर रिस्ट्रिक्शंस थे इसके ऊपर. अब गवर्नमेंट ने क्या करा, इस फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर टैक्स पॉलिसीज लिबरल कर दी. जब गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसीज लिबरल करी तो उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो गया. रेवेन्यू इंक्रीज क्यों हो गया? बिकॉज लोगों ने टैक्स पे करना स्टार्ट कर दिया. ये हम डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं. एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स मीन्स ट्रेडिंग रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीज. ट्रेडिंग रिलेटेड टू फॉरेन करंट कंट्रीज, इट मीन्स हम फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं. कुछ एक एक्ट बनाए थे, एक्ट का नेम था फेरा फेमा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है. ये हम फ्यूचर क्लासेस में डिस्कस करेंगे. ये लिबरलाइजेशन था. लिबरलाइजेशन को कितने रिफॉर्म्स में क्लासीफाई करा? फोर पार्ट्स में. इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, फिस्कल सेक्टर और एक्सटर्नल रिफॉर्म्स. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के आगे फर्दर पार्ट्स थे, बट फाइनेंशियल, फिस्कल और एक्सटर्नल के फर्दर पार्ट्स नहीं. नेक्स्ट आई थिंक प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन मीन्स कन्वर्टिंग और स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इनटू प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट के स्टेक को कन्वर्ट करना किसके अंदर? प्राइवेट सेक्टर के अंदर. कैसे कन्वर्ट करते हैं वापस समझिए. इसको एक नए वर्ड से बोला जाता है. क्या वर्ड यूज करता है? डिसइन्वेस्टमेंट. क्या वर्ड यूज करता है? डिस इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना. डिस इन्वेस्टमेंट मीन्स पैसा निकालना. होता क्या था प्राइवेटाइजेशन के अंदर? गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस जो लॉस जनरेट कर रही हैं उनको कन्वर्ट कर दिया, या फिर सारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को कन्वर्ट कर दिया, जो हमने पढ़ लिया अभी इसमें.
क्या कन्वर्ट कर दिया, सो दैट सारी की सारी एंटरप्राइजेस कौन रन कर सके, प्राइवेट, और वाइड चॉइस मिल सके कंज्यूमर्स को. सिंपली प्राइवेटाइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इनटू प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स. नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग आर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. As we have already discussed in last chapter में क्या discuss करा, एक inward looking trade strategy आई थी. Inward looking trade strategy means those goods which we are importing from the other countries, उसे हम इंडिया में बनाना स्टार्ट करें. उसके काफ़ी सारे losses थे. लॉसेस क्या थे, हम फॉरेन कंट्रीज के साथ कॉम्पिटिशन नहीं चेज कर पाते थे. होता क्या था, जो चीज़ें इंडिया में बनती थी वो बिक जाती थी, तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे बैकवर्ड होती गई. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कम्पीट करेगी. इंटीग्रेटिंग आर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. इसके पॉइंट समझते हैं क्या था. इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. पहले के टाइम में क्राइटेरिया था 40% पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेनर्स इंडिया के अंदर. इस लिमिट को रिमूव करके बच्चे 51% टू 100% कर दिया. पहले के टाइम पे क्या क्राइटेरिया था, 40% इस क्राइटेरिया को रिमूव करके दिस क्राइटेरिया वाज कन्वर्टेड फ्रॉम 40% टू 51% टू 100%. मतलब इतना इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं. इट मींस दैट फॉरेन कंपनी हमारे इंडिया के अंदर पूरा स्टेक ले सकती है, लेना चाहे तो. पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी. पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी मींस कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज कैन बी अलाउड. किस चीज के लिए, तीन पॉइंट्स थे. तीन पॉइंट्स क्या थे, अच्छे से समझते हैं, अच्छे से करते हैं. कन्वर्टिबिलिटी थी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड के लिए, और नेक्स्ट सिचुएशंस के लिए. फिर वर्ड इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज. कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाई गई कि क्या हो सके, हेल्दी रिलेशंस बिल्टअप हो सके. कौन से रिलेशंस बिल्टअप हो सके, हेल्दी रिलेशंस बिल्टअप हो सके बिटवीन आर इकोनॉमी एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी. रिडक्शन इन टैरिफ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टैरिफ को, टैरिफ क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, टैरिफ बोलते हैं टैक्सेस को. टैक्सेस को क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था. विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, जो पहले कोटा थी या लिमिट्स थे, लिमिट्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. नाउ अब ये सारी पॉलिसीज तो बनाई. ये पॉलिसीज क्यों बनाई, बिकॉज हमारी इकोनॉमी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी. प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रही थी, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, गवर्नमेंट का स्टेक था, बाकी सारी सिचुएशंस थी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी थी. अब इन प्रॉब्लम्स को बोला कैसे गया, LQQP मींस लाइसेंस कोटा परमिट्स टू कन्वर्ट, किसमें हो गया था, LPG, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन. नाउ द थिंग इज कि इस पॉलिसीज के कुछ बेनिफिट्स भी हुए होंगे, कुछ लॉसेस भी हुए होंगे, तो उसके लिए वर्ड यूज करता है एंड अप्रेजल ऑफ LPG पॉलिसीज. LPG मींस लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन. इसकी अप्रेजल क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आए इस पॉलिसीज के अंदर, क्या इसके फायदे थे, क्या इसके नुकसान थे. बैलेंस वाइब्रेंट इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी पहले स्टैग्नेंट थी. स्टैग्नेंट इकोनॉमी से कैसी इकोनॉमी हो गई थी, वाइब्रेंट इकोनॉमी, बिकॉज हमारी इकोनॉमी के पास ह्यूज फंड्स इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए थे. स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. मेन थिंग टू कंसीडर इज जो ये पॉलिसीज थी, ये पॉलिसीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं थी. ये पॉलिसीज किससे रिलेटेड थी, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड थी. तो वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. स्टिमुलेंट मतलब राइज मिला किसको, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को. चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट धीरे धीरे कम होता गया. चेक ऑन इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन भी यूज होता रिड्यूस होता गया. कंज्यूमर्स अपॉर्चुनिटी. कंज्यूमर को काफ़ी सारी चॉइसेस मिलती गई. सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. इसकी वजह से हमारे पास हेल्दी रिजर्व बढ़ते गए. हम पॉइंट्स डिस्कस करना छोड़ गए थे पहले स्टार्टिंग में. ये प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से LPG पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ा. वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्या हो गई, ओवरकम हो गई. डिमेरिट्स. Neglect of agriculture. As we have discussed earlier, अभी दो मिनट पहले डिस्कस किया कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो LPG पॉलिसीज आई थी, इनका मेन फोकस कौन से एरियाज के ऊपर था, इंडस्ट्रियल एरियाज के ऊपर. जब फोकस इंडस्ट्रियल एरियाज के ऊपर होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या करेगा, neglect छोड़ के चलता था. अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस मीन्स जो ग्रोथ हो रही थी वो कौन से एरियाज में हो रही थी, अर्बन एरियाज के अंदर हो रही थी. इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म मीन्स जो रिच था वो रिच होता गया, जो पुअर था पुअर होता गया. इसका मतलब ये नहीं है. कॉलोनी का मतलब क्या होता है, कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, रूल. जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने 200 ईयर्स रूल करा, वो रूल अभी भी स्टार्ट था. अभी भी स्टार्ट कैसे था, बड़ी बड़ी कंपनीज आनी स्टार्ट हो गई थी. बड़ी बड़ी कंपनीज कौन सी थी, MNCs, मल्टी नेशनल कंपनीज, जो हमारी इकोनॉमी के ऊपर छोटे इन्वेस्टर्स या छोटे प्रोड्यूसर्स के ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया था. स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म. कंज्यूमर को काफी सारी चॉइसेस मिलने की. अब दोनों पॉइंट्स आ जाते हैं. कंज्यूमर सबॉर्डिनेटी मेरिट्स में भी लिखता है, डीमेरिट्स में भी लिखता है. मेरिट्स में ऐसा था कि कंज्यूमर को चॉइस मिलती थी, डीमेरिट्स में इसलिए लिखता है बिकॉज रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन होता था. रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होते थे बिकॉज रिसोर्सेज को हमें फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता था.
लॉप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस, जो ग्रोथ प्रोसेस था वो लिमिटेड एरियाज के अंदर था, कल्चरल इरोजन, कल्चरल इरोजन मीन्स हमारी इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज थे उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं करा जाता था। ये हमारा सिक्स्थ चैप्टर था, क्या था, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन।